ये फोर्थ पार्ट है, तो मैंने आपको ये बातें बतानी थी, होप आपको अच्छी लगी हो। और कौन सी बात रह गई? बहुत ज्यादा बेवकूफ। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ना मैं यूनिंग की इतनी सारी वीडियोस क्यों अपलोड करी हूँ, बिकॉज गाइज उसका रीज़न ये है क्योंकि ना मुझे स्टोरीज ना मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, और क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। सो इसलिए मैं स्टोरीज ना अपडेट किया आ रही हूँ, और फंक्शन भी मैं अपडेट करूँगी। मीन्स वंशित पे ना ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, सर इसलिए मैं उसको स्लो चला रही हूँ, और जो यूनमिन है उस पर ना व्यूअर्स ज़्यादा है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, इस वजह से ना मैं यूनमिन ज़्यादा चला रही हूँ। और जो स्टोरीज की बात है, मैं अभी ना सारे अभी ना जितने भी मेरे पास आइडियाज़ आते जाएंगे मैं करती रहूँगी, बिकॉज मैंने आपको बताया ना मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, और फिर मैं ना भूल जाती हूँ। बीच में भी एक बहुत अच्छा आइडिया आया था बट मैं भूल गई, तो इस वजह से ना मैं उसको वो करूँगी, मतलब कहना करती रहूँगी, और फिर ना जो सारे हैं उनको ना एक एक करके फिर ना कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूँगी। और जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना तो मेरे पास फुल टाइम होगा। मैंने मम्मी को कहा है, मम्मा मुझे अभी टाइम दीजिए, दे दिया करो, मैं इतने सारे काम करती हूँ, मुझे टाइम दिया दिया करो। मम्मा कह रही थी ना पेपर्स हो जाएँ फिर जितना मर्जी टाइम ले लेना, तो इस वजह से मेरे जैसे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, अभी भी मम्मा घर पे नहीं है तो मैं ये काम करी, और मेरे छोटे सिबलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा तंग करे, अब दोनों ऊपर चले गए। अच्छा इस साल मेरा कज़न भी आया, तो तीनों ना बिल्कुल घर में ना पूरा तहस नहस कर रखा है पूरा घर, और अब लाइट भी चली, और ये मैं क्या बकवास करने बैठी हूँ। अच्छा तो अब मैं आपको ना अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताती हूँ। मीन्स हम ना फोर बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मीन्स अब तो अलग हो गए बिकॉज अब ना सब कॉलेज में जाएंगे तो अलग अलग हो गए। उसके अलावा हम वैस में आगे बताती कह रहा, उससे पहले हम ना फोर बेस्ट फ्रेंड्स थी, और गाइस ये तो मज़ेदार एक सीन हुआ था। मीन्स के ना हम चारों जा रहे थे वहाँ से, उन तीनों को ना पता है BL के बारे में, GL के बारे में ये सारा पता है, बट वो FF नहीं सुनती, BDSFF भी नहीं सुनती। उसमें से एक है, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगी, बट जो मेरी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उसको उसके बारे में पता है कि मैं किसकी शायद बात कर सकती हूँ, हो सकता है उनको पता हो। वेल अगर नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर तो मैं ऐसे हुआ था, हम चारों गुजर रही थी तो वहाँ ना तीन लड़कियाँ बैठी थी, वापस मैंने बहुत स्लोली बात करी थी, बट मैं बिल्कुल उनके पीछे से गुजर रही थी तो मुझे उनकी आवाज़ ना क्लियरली सुनाई दी थी। उसमें से एक कह रही थी कि तुम्हें ना BTS की कौन सी कपल शिप अच्छी लगती है। उसने ये बात बोली और जैसे तो मैं बैठी इस इंतजार में, मैं तो फोर उनके सामने जाके खड़े होगी, मैं कहूँ मुझे तो तेको यूनमिन बहुत अच्छी लगती है, नामजिन भी बहुत अच्छी लगती है, तुम लोगों को कौन सी लगती है। वो भी इतनी एक्साइटेड हो गई। उसमें से एक बोली कहते मुझे यूनमिन बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बोली कहना मुझे वीमिन पसंद है, और एक बोली कहना वीमिन कुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा मैं ना मेरा चैनल है बड़ा, उसमें ना मैं वीमिन कुक यून भी एक्सप्लेन करती हूँ। वीमिन कुक यून का तो सुन के वो जैसे ना शोक हो गए थे, और फिर एक्साइटेड भी हो गई थी रियली, और मैं ना कहती अच्छा इस तरह की स्टोरीज भी होती है, मीन्स चार पर्सन की। मैं कहा हाँ, कहती कि ना तुम एक्सप्लेन कैसे करती हो, मीन्स बहुत अलग चीज़ हो गई थी, और हम बातें करने खड़े हो गए, और मेरी तीनों जो बेस्ट फ्रेंड्स थी ना, मीन्स वो तीनों ने मुझे ऐसे देख रही थी लाइक रियली क्या तुम इसी प्लानट से, इस तरह के ना फेस मुझे देख रही थी। और मैं ना उनको छोड़ के बाकी उन तीनों से बात करने लगी, इतनी ज़्यादा बातें करी थी। तो फिर ना पीछे से ना मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरा एक हाथ को पकड़ा, एक ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे कहते कि ना बस चलो ईशा यहाँ से चुप कर जा। तो फिर ना वो अभी भी आ रही थी, कहती नहीं नहीं हमें थोड़ी देर बात करें, तो करके ना हम इतना ज़्यादा किया। तो फिर वो तीनों इरीटेट हो गए, कहते ईशा की बच्ची अगर तुम हमारे साथ ना चले ना, तो फिर ना कहते हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मैं कहा अच्छा अच्छा आ रही आ रही हूँ करके ना मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, तो उन्होंने बता दिया था वो मेरे साथ वाले सेक्शन में ही थी। तो फिर ना मैं कहा ओके ठीक है डन, तो इस तरह करके ना हुआ। और उस दिन मैं एयरपोर्ट पे गई थी, तो वहाँ पे भी मेरे पास एक लड़की आई थी, और फिर कहती है एक लड़की आई थी, मीन्स वो होगी कोई इस तरह ना 16-17 इस तरह लग रही थी। कहती है ना मैं ना आपके ना सारी BDS वीडियोस देखती हूँ, सारी BDS FF देखती हूँ, मैंने आपको पहचान लिया। तो फिर ना मैं इतनी ज़्यादा शौक हो गई, पैदा वो पी रही थी जूस पी रही थी, और मुझे ना जूस पीते खसका लग गया, मैं इतनी हैरान मैं कर व्हाट। तो मैं कहती हाँ मैं आपको पहचान लिया, आपने ना जो वो अपलोड की थी ना पिक्चर्स उनसे मैंने पहचाना। तो फिर ना मुझे इतना शौक हुई ना, और फिर मेरे ना पीछे से पापा आ गए, पापा ने कहा कि ना ईशा किससे बात करें, मैं कहा कि ना पापा ये मेरी सब्सक्राइबर है।
फिर ना पापा को ना मेरे चैनल का पता ये नहीं पता कि मैं क्या अपलोड करती हूँ। पापा को ये लगता है, पापा को मैंने दिखाया था एक दफा, याद है मैंने ना सारी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया था, उसमें सिर्फ कुछ शॉर्ट्स थी जिनको मैंने प्राइवेट नहीं किया था और उनके नेम्स चेंज कर दिए थे। वो मैंने फिर पापा को अपना चैनल दिखाया था कि मेरे ये चैनल है अपना, मैं BTS की वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो फिर ना पापा ने कहा था ओके, इस तरह ना मेरे पापा को पता है, मुझे पता कि मैं एक्चुअल क्या अपलोड करती हूँ। तो इस तरह पता था, फिर ना पापा हैरान हो गए थे। पापा ने कहा ओ अच्छा, फिर पापा को ना थोड़ा वो शुक्र ये नहीं पता चला कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छी बात है, नहीं पता चला। और गाइस मुझे भूल गया, मैं इतनी सारी बातें भूल गया, मुझे नहीं पता मैंने आपसे क्या बात करनी थी। तो आप मुझे ज़रूर अपने क्वेश्चन भेजिएगा तो मैं याद रखूँगी। और जहाँ तक बात है रिक्वेस्ट की, गाइस आई एम सो सॉरी बट सब रिक्वेस्ट मेरे पास सेव है, मैंने सबका स्क्रीनशॉट लिया। जैसे मेरे पास अब टाइम होगा ना, क्योंकि अब मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे तो मेरे पास फ्री टाइम होगा, तो ना मैं एक एक करके ना सारे ना अपलोड करती जाऊंगी और ना साथ साथ कंप्लीट भी करती जाऊंगी। एक न्यू FF की ना डाल दूंगी, मीन्स जो रिक्वेस्टेड FF है, तो इस तरह करके ना मैं सबके ना अपलोड कर दूंगी और आप प्लीज बुरा ना मनाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी एंड लव मी एंड थैंक यू सो मच बटन। और उसके लिए सो सॉरी जो मैं ना वांगशर नहीं अपडेट कर पा रही, और बट मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी से जल्दी कर दूँ। और अभी के लिए टाटा बाय बाय।